अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको YouTube का बहुत ही आसान सा टॉपिक बताऊंगा, एक ऐसा चैनल बताऊंगा जिसके अंदर पाकिस्तान में लड़कियां ज़्यादा कमा रही हैं, और इसके अंदर आपको सामने नहीं आना पड़ेगा ना बोलना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा ये चैनल है, इजी चैनल है, ये खाने का चैनल है, फूड चैनल, यानी कि आपने किसी भी रेस्टोरेंट चले जाना है, आप मुख्तलिफ होटलों में देखते हैं खाना बन रहा है, आपने सिंपली वीडियो बनानी है और इसको शेयर करना है। आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो आपने सबसे पहले वीडियो बनानी है तो लॉन्ग बनानी है वीडियो, उसके अंदर लॉन्ग बनाने के बाद उसको शॉर्ट्स वीडियो बना के भी शेयर करना है। तो स्टार्ट के अंदर जब फ़र्ज़ करें आपने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, कहीं खाना बन रहा है, फ़र्ज़ करें किसी बिरयानी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे बिरयानी बन रही है, सेल हो रही है, तो आपने सिंपली कैमरा उठाना है, वीडियो बनानी है। तो जब आपने 4-5 मिनट की वीडियो बना ली तो उसके बाद आपने इसको एडिट करना है, शॉर्ट्स वीडियो में भी कन्वर्ट करना है, आपने उसकी 4-5 वीडियो शॉर्ट्स बना लेनी है। शॉर्ट्स क्यों बनानी है, क्योंकि इसके ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। आजकल जितना भी काम हो रहा है लोग स्टार्ट के अंदर चैनल बनाते हैं, शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, जब शॉर्ट्स वीडियो वायरल होती हैं सब्सक्राइबर ज़्यादा आते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं, चैनल रनिंग में आ जाता है, उसके बाद लॉन्ग वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे आप एक लॉन्ग वीडियो बनाई उसकी आपने 5-6 शॉर्ट्स वीडियो बना ली, जब आप डेली एक वीडियो लगाएंगे वो चैनल एक्टिव रहेगा, और उसके बाद आप डिफरेंट वीडियोस बनाते रहें। इसके अंदर आपको ये भी नहीं मसला होगा कि आपने बोलना है, सामने आना है, आपने जस्ट किसी भी शॉप पे चले जाना है, रेस्टोरेंट चले जाना है, जो चीज़ बन रही है उसको आपने रिकॉर्ड कर लेना है और शेयर कर देना है। आपको बता दूं सबसे ज़्यादा व्यूज़ खाने वाले चैनल्स पे आते हैं और पूरी दुनिया में देखा जाता है। जब आप सिर्फ वीडियो बना के शेयर करेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं होगी पीछे, यानी सिर्फ खाना बन रहा है उसकी आवाज़ होगी, तो उसके ऊपर व्यूज़ पूरी दुनिया से आएंगे। उसके ऊपर ये नहीं होगा कि सिर्फ पाकिस्तान से व्यू आ रहे हैं, पूरी दुनिया से व्यू आएंगे। आप स्ट्रीट फूड लिखें तो आपके सामने जितने भी वीडियोस आएंगे, चैनल्स आएंगे या फिर शॉर्ट्स वीडियो आएंगे, आप देखेंगे मिलियंस व्यूज़ हैं। और इसकी यही वजह है कि बोलते नहीं है, जस्ट खाने की वीडियो लगा देते हैं तो पूरी दुनिया से व्यूज़ का मतलब है पैसे भी ज़्यादा बनेंगे। आपने एक और काम करना है, जब स्टार्ट के अंदर शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें, तो जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाए आप यूट्यूब से भी अर्निंग करेंगे। दूसरा तरीका होगा स्पॉन्सरशिप, आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट वाले बुलाएंगे, पैसे देंगे, और आप इस तरह से पैसे लेंगे, उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। जितने भी नए रेस्टोरेंट ओपन होंगे या फेमस होंगे वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको कहेंगे हमारे होटल का विज़िट करें, रेस्टोरेंट का विज़िट करें, तो आप करेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे। तो ये एक स्टेज होती है, स्टार्ट के अंदर सिर्फ आपने वीडियोस बनाते जाना है, शेयर करते जाना है। और यहाँ पे ये भी बता दूँ, चाहे लॉन्ग वीडियो हो, शॉर्ट हो, आप कोई ना बोलें, सिर्फ ऐसे ही वीडियो लगा दें, एडिट करें, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं और व्यूज़ खुद देख लें, लाखों में आपके व्यूज़ आएंगे। स्टार्ट के अंदर महीना 2 महीने हो सकता है आपके व्यूज़ ना आए लॉन्ग वीडियोस पे, शॉर्ट्स वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, और जब आपने शॉर्ट वीडियो बनानी है तो टैग्स के अंदर शॉर्ट्स फूड और स्ट्रीट फूड लाजमी लिखें, और डिस्क्रिप्शन में भी लिखें और टैग्स के अंदर भी लिखें, तीनों जगह पे ये चीज़ें लिखें, और कुछ वीडियोस के अंदर ना लिखें, सिर्फ शॉर्ट्स लिखें। डिफरेंट वीडियोस पे डिफरेंट आपने चीज़ें अप्लाई करनी है। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स या जितने भी मेरे चैनल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं उनके ऊपर डिफरेंट तरीका कर अप्लाई करता हूँ। एक वीडियो पे कुछ किया है, अगली पे कुछ करूँगा, तो इस तरह से वीडियोस वायरल भी होती हैं। अगर आप एक तरीके से लगे रहेंगे, हो सकता है आपकी वीडियो वायरल ना हो। आप टैग्स के अंदर अच्छे तरीके से, वही टैग्स डिस्क्रिप्शन टाइटल होना चाहिए जो आपकी वीडियो से रिलेटेड हो, जो वीडियो के अंदर है। मैंने ये देखा है जो वीडियो के अंदर है वही अगर आप बताएंगे, जैसे एक बिरयानी की वीडियो है, बिरयानी लिखाएंगे, उससे रिलेटेड टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन होंगे तो वीडियो वायरल होगी। ऐसी भी गलती बहुत लोग करते हैं, वीडियो के अंदर कुछ बताया होता है, या वीडियो किसी के बारे में होती है, टाइटल में कुछ है, टैग्स में कुछ है, डिस्क्रिप्शन में कुछ है, इस तरह वीडियोज़ वायरल नहीं होती, और यूट्यूब भी समझ जाता है कि ये एक गलत तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, टाइटल कुछ हैं, टैग्स कुछ हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ है, तो गूगल की नज़र में, यूट्यूब की नज़र में, उनके सिस्टम की नज़र में ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से आप अपना चैनल शुरू करें, बहुत ज़्यादा वीडियोस बन सकती हैं, किसी भी स्टेट में चले जाएं आपको कोई ना कोई फूड बनता नज़र आएगा, आप इस तरह से वीडियोस शेयर कर सकते हैं। आप खुद यूट्यूब पे लिखें स्ट्रीट फूड, आप रिसर्च करें, देखें और इसको अप्लाई करें। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए,
ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ आने वाली आपको मिलती रहें। खुदा हाफिज़।